नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो T20 वर्ल्ड कप 2022 का 27th मैच खेला जाएगा 29 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 1:30 बजे से यानी कि 1:30 PM से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मुकाबले के लिए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट क्या है, वहीं पर इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मैच में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, वहीं पर इस मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मुकाबले से जुड़ी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती है। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट T20 इंटरनेशनल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस यहां पर हुए हैं उसमें से सभी पांचों मैचेस फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 179 रन का है, जबकि एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 124 रन का रहा है। तो आप इन लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट से देख सकते हो कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ही ज्यादा एडवांटेज मिला है। इसीलिए फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने सभी पांचों मैचेस जीते हैं। वहीं पर जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो आपको 180 के करीब नजर आ रहा है। इसका मतलब हाल फिलहाल में SCG की पिच पर जितने भी मैचेस खेले गए हैं वहां पे आपको बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिली हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर गेंद जो है वो बल्ले पर बहुत अच्छी तरीके से आती है और यहाँ पे आपको फर्स्ट इनिंग्स में स्पेशली काफी ज्यादा बड़े स्कोर बनते हुए नजर आए हैं। अगर हम T20 वर्ल्ड कप 2022 की बात कर लें तो जो तीन मैचेस अभी तक इस मैदान पर खेले गए हैं उनमें से दो मैचेस में आपको फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 200 या फिर 200 के ऊपर देखने को मिला है और एक मैच में आपको फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 179 रन का बनता हुआ नजर आया था, जो कि आपको यह साबित कर देता है कि यहाँ की जो पिच है वो फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग के लिए काफी शानदार रहती है। और इस मुकाबले में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी वो आपको 180 या 190 के आसपास का स्कोर बनाते हुए नजर आ सकती है। हालांकि दोस्तों सेकेंड इनिंग्स में देखा गया है कि ये पिच थोड़ी सी स्लो हो जाती है और स्लोनेस की वजह से यहाँ पर जो स्पिनर्स हैं वो प्ले में आते हैं, उनको टर्न भी मिलती है। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, राइट आर्म लेग स्पिनर्स यहाँ पे इफेक्टिव होते हैं, तो स्कोर चेस करना इस मैदान पर आसान साबित नहीं हुआ है। हालांकि ली रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस मुकाबले में आपको फ्रेश पिच इस्तेमाल होते हुए नजर आएगी, जो कि बल्लेबाजी के लिए और भी ज्यादा बेहतर होगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सेकेंड इनिंग्स में इस पिच पर भी थोड़े बहुत स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। तो ऐसे में ओवरऑल मुझे यही लगता है कि इस मुकाबले में भी जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करेगा और अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए टीम ने 180 के आसपास का स्कोर बना दिया तो वो स्कोर यहां पर डिफेंड हो जाएगा। फिर अगर हम बात कर लें इस मैदान के पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की, तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो साउथ अफ्रीका का है बांग्लादेश के खिलाफ 205 रन 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर जो लोएस्ट टोटल है वो बांग्लादेश का है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 101 ऑल आउट। लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है श्रीलंका के खिलाफ 149 रन फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस मुकाबले में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो T20 वर्ल्ड कप 2022 के तीन मैचेस अभी तक इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल 21 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए जबकि 16 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 16 विकेट लिए, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 5 विकेट मिले, राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 3 विकेट लिए, राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 2 विकेट मिले और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 11 विकेट्स लिए। तो आप इन तीन T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच है उसने फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को इक्वल असिस्टेंस दी है, इसीलिए दोनों तरीकों के गेंदबाजों ने लगभग सेम नंबर ऑफ विकेट्स ही चटकाए हैं। अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात कर लें तो इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स और सेकेंड इनिंग्स दोनों इनिंग्स के शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा स्विंग मिलती है और फास्ट बॉलर्स दोनों इनिंग्स के शुरुआती ओवर्स में इसीलिए ज्यादा विकेट्स चटकाने में कामयाब हुए हैं। अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो ये देखा गया है कि तीनों मैचेस में जो सेकेंड इनिंग्स है
उसमें स्पिनर्स ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को यहाँ की पिच से सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स आने तक ये पिच थोड़ी सी स्लो हो जाती है और स्लोनेस की वजह से यहाँ पर स्पिनर्स को टर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि 3 मैचेस में 11 विकेट्स लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खाते में गए हैं। तो यहाँ पर मेरा आपको ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों को इंक्लूड करना चाहिए और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहाँ पर आप 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। उस टीम के स्पिनर्स को आपको अपनी फैंटेसी 11 में रखना चाहिए जो टीम सेकेंड इनिंग्स में गेंदबाजी करेगी, और आप एक राइट आर्म लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर ले तो न्यूजीलैंड की शुरुआत T20 वर्ल्ड कप 2022 में बेहद शानदार हुई थी, जहां पर उन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को इसी मैदान पर काफी बड़े मार्जिन से हराया था। हालांकि न्यूजीलैंड का दूसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में वॉश आउट हो गया था बारिश की वजह से। तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव करती है या फिर नहीं, क्योंकि उनके स्टार ऑलराउंडर डैरिल मिचेल अब पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और रिपोर्ट्स की मानी जाए तो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में आपको ये बदलाव देखने को मिल सकता है कि डैरिल मिचेल मार्क चैपमैन की जगह शामिल हो सकते हैं। तो जो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे फिन एलन के साथ विकेटकीपर डिवॉन कॉनवे, नंबर 3 पर आएंगे कैप्टन केन विलियमसन, नंबर 4 पर ग्लेन फिलिप्स, नंबर 5 पर जेम्स नीशम, नंबर 6 पर मार्क चैपमैन, नंबर 7 पर मिचेल सैंटनर, नंबर 8 पर इच सोढ़ी, नंबर 9 पर टिम साउदी, नंबर 10 पर लॉकी फर्ग्यूसन और नंबर 11 पर ट्रेंट बोल्ट आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए श्रीलंका की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों श्रीलंका की टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में अभी तक 2 मैचेस खेले हैं। पहले मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ 9 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल करी थी, जबकि दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। और उस मुकाबले में श्रीलंका के तेज गेंदबाज बिनरा फर्नांडो इंजर्ड भी हो गए थे और वो इंजरी इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि उनको T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर होना पड़ा। और ऐसे में इस मैच की प्लेइंग 11 में प्रमोद मधुसूदन मोस्ट लाइकली बिनरा फर्नांडो को रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इनकी प्लेइंग 11 में आपको और कोई बदलाव देखने को मिलेगा। तो जो श्रीलंका की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे विकेटकीपर कुसल मेंडिस के साथ पतुम निसंका, नंबर 3 पर आएंगे धनंजय डिसिल्वा, नंबर 4 पर चरित असलंका, नंबर 5 पर भानुका राजापक्षा, नंबर 6 पर कैप्टन दसुन शानका, नंबर 7 पर वानिंदु हसरंगा, नंबर 8 पर चमिका करुणारत्ने, नंबर 9 पर महेश दीक्षाना, नंबर 10 पर प्रमोद मधुसूदन और नंबर 11 पर लाहिरु कुमारा आ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर ले तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का T20 इंटरनेशनल में आमना सामना टोटल 19 मैचेस में हुआ है, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने 10 मैचेस जीते हैं, श्रीलंका की टीम ने 8 मैचेस जीते हैं और एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा था। तो ओवरऑल रिकॉर्ड में आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज मामला नज़र आ रहा है, हालांकि न्यूजीलैंड की टीम को थोड़ा सा एज हासिल है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले लास्ट 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस की जो कि इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, तो वहां पे आपको मामला बराबरी का नजर आ रहा है। श्रीलंका ने 5 मैचेस जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने भी 5 मैचेस जीते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर ले लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की जो कि इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, तो वहां पर न्यूजीलैंड की टीम डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है। न्यूजीलैंड ने 4 मैचेस जीते हैं जबकि श्रीलंका की टीम सिर्फ 1 मैच ही जीत पाई है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले दोनों टीमों की T20 इंटरनेशनल में रीसेंट फॉर्म की, तो न्यूजीलैंड की टीम ने जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 3 मैचेस जीते हैं, 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम ने भी जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 3 मैचेस जीते हैं और 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। तो अगर आप रीसेंट फॉर्म की बात करोगे तो रीसेंट फॉर्म के हिसाब से दोनों टीमें बराबरी पर ही नजर आ रही हैं। वहीं अगर हम बात कर लें वेन्यू परफॉर्मेंस की, तो इस मैदान पर न्यूजीलैंड की टीम ने 3 मैचेस खेले जिसमें इनका विनिंग परसेंटेज 33 है, श्रीलंका की टीम ने 2 मैचेस खेले विनिंग परसेंटेज 0 है, यानी कि श्रीलंका ने दोनों मुकाबले यहां पे हारे हैं। एवरेज स्कोर के मामले में न्यूजीलैंड बेहतर है 155 जबकि श्रीलंका का 143 है, हाईएस्ट स्कोर के मामले में भी न्यूजीलैंड बेहतर है 200 जबकि श्रीलंका का 164 है, और लोएस्ट स्कोर के मामले में श्रीलंका बेहतर है 122 जबकि न्यूजीलैंड का 117 है। तो दोस्तों दोनों टीमों की परफॉर्मेंस इस मैदान पर कुछ खास नहीं है, लेकिन श्रीलंका की टीम ने दोनों मैचेस हारे हैं इस मैदान पर, जबकि न्यूजीलैंड की टीम इस मैदान पर पिछला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को
कन्विंसिंगली हरा कर आ रही है, तो उसका कॉन्फिडेंस उनको होगा तो इस मैदान पर, इसलिए थोड़ा सा एडवांटेज न्यूजीलैंड को हासिल है। अब अगर हम कंपैरिजन कर लें दोनों टीमों की पिछले 10 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में परफॉर्मेंस की, तो जो न्यूजीलैंड का विनिंग परसेंटेज है वो 60 है, जबकि श्रीलंका का 80% है, जो कि बेहतर है। एवरेज स्कोर के मामले में न्यूजीलैंड बेहतर है 163, जबकि श्रीलंका का 154 है। हाईएस्ट स्कोर के मामले में भी न्यूजीलैंड बेहतर है 215, जबकि श्रीलंका का 188 है। और लोएस्ट स्कोर के मामले में श्रीलंका बेहतर है 108, जबकि न्यूजीलैंड का 98 है। तो अगर आप पिछले 10 टी20 इंटरनेशनल मैचेस की परफॉर्मेंस की बात करोगे तो यहाँ पे आपको मामला जो है वो लगभग बराबरी का ही नजर आ रहा है। ऐसे में देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज मैच हो सकता है, क्योंकि फॉर्म के हिसाब से बात करेंगे तो न्यूजीलैंड ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन श्रीलंका की टीम कमबैक करने के लिए जानी जाती है, तो ऐसे में मैं एक बेहतरीन मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर ले तो न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से आप डिवॉन कॉनवे के साथ जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 431 रन बनाए हैं 72 के एवरेज और 132 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर आप ग्लेन फिलिप्स को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो, पिछले 10 मैचेस में 276 रन बनाए हैं 39 के एवरेज और 172 के स्ट्राइक रेट के साथ। श्रीलंका की टीम की तरफ से आप कुसल मेंडिस के साथ जा सकते हो, पिछले 10 मैचेस में 329 रन बनाए हैं 36 के एवरेज और 159 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप पतुम निसंका को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो, पिछले 9 मैचेस में 307 रन बनाए हैं 38 के एवरेज और 110 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो अगर हम सबसे पहले न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप राइट आर्म फास्ट बॉलर टिम साउदी के साथ जा सकते हो, पिछले 9 मैचेस में 14 विकेट लिए 8.22 की इकोनॉमी और 14.64 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप माइकल ब्रेसवेल को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो, पिछले 8 मैचेस में 13 विकेट्स लिए 4.93 की इकोनॉमी और 12.46 के स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन इनके खेलने की संभावना काफ़ी कम है। तो अगर ये मुकाबला नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह पर आप मिचेल सैंटनर को इस फैंटेसी 11 में ज़रूर रखना, उनका रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ बेहद शानदार है। इसके अलावा श्रीलंका की तरफ से आप वानिंदु हसनंगा डिसिल्वा के साथ जा सकते हो, जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर है, पिछले 10 मैचेस में 17 विकेट्स लिए 7.49 की इकोनॉमी और 13 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर आप महेश दीक्षाना को भी रख सकते हो, पिछले 10 मैचेस में 14 विकेट्स लिए 6.26 की इकोनॉमी और 16.35 के स्ट्राइक रेट के साथ। श्रीलंका की तरफ से अगर आप किसी फास्ट बॉलर को रखना चाहते हो तो आप प्रमोद मधुसूदन के साथ जा सकते हो। अंत में दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर हम इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन कर लें तो ओपनिंग के मामले में इस समय न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है, मिडिल ऑर्डर के मामले में भी न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, बैटिंग डेप्थ के मामले में श्रीलंका की टीम ज़्यादा बेहतर नजर आ रही है, पेस बॉलिंग अटैक के मामले में भी न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी स्ट्रांग है, जबकि स्पिन बॉलिंग अटैक के मामले में श्रीलंका की टीम ज़्यादा बेहतर नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर आप प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास बेहतरीन टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर मौजूद है, जबकि उनके पास ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए टॉप क्वालिटी पेस बॉलिंग अटैक भी मौजूद है। इसके अलावा श्रीलंका की अगर बात की जाए तो उनके पास ओपनिंग जो स्लॉट है वहां पे तो चीजें सेटल्ड नजर आ रही है, लेकिन मिडिल ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो भी काफी वल्नरेबल नजर आ रहा है मेन प्लेयर्स की इंजरीज होने के बाद, तो इसलिए प्लेइंग 11 के हिसाब से न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि श्रीलंका की टीम आईसीसी इवेंट्स में हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन करती है और सबको चौंकाती है, ऐसे में आप उनसे कमबैक की उम्मीद रख सकते हैं इस मुकाबले में। और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की जो पिच है वो उनके स्पिनर्स को सूट भी काफी करेगी, तो यहां पर एक अच्छा प्रदर्शन आप उनसे देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप फॉर्म वाइज बात करोगे या फिर ओवरऑल टीम के हिसाब से बात करोगे तो मुझे न्यूजीलैंड का पलड़ा इस मैच के लिए में भारी नजर आ रहा है, और ऐसे में दोस्तों इस मुकाबले की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो न्यूजीलैंड के साथ ही जाने वाली है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी, न्यूजीलैंड या फिर श्रीलंका? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।